चमचा मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या हुआ था यहाँ पर? नान वो मुझे अलग बात कर हेलो, क्या बकवास की है तुमने रमशा से? तो लगा दी ना आग उसने। यार तो इन लड़कियों को जानता तो है, इनका काम ही यही है एक से सुन के दूसरे को लगाना। और जहां तक मैं जानता हूं वाइफ शिकायत करती है अपने हस्बैंड से, लेकिन रमशा तेरी वाइफ तो है नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं कही है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो मुझसे। मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि अगर उसको तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्टे का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी इस बात का मकसद क्या था। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये वो पहले वाली रमशा नहीं है। इसने अपने आप को बहुत बदला है और मैं इसका गवाह हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओहो, रहने दे भाई, मुझे तो लगता है वो ना सिर्फ तुमको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। पारसाई का दिखावा है ये सब। वो जो कुछ भी कर रही है ये उसका और उसके रब का मामला है, तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? यार अफनान तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? इन जैसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। एक आखिरी दफा समझा रहा हूं तुझे, रमशा से दूर रह वरना। कौन थी? हाँ पार्टी कहाँ क्या था? नहीं वो थी कौन? अरे यार इतना कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं कौन थी। पार्टी के बारे में बताओ क्या करना है, वरना डैड से बात नहीं करूंगा। नहीं अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है मेरे पार्टी से बात क्या करनी है, उन डिटेल्स पे काम कर लेने दो मुझे। ट्रैफिक, ट्रैफिक, कराची की ट्रैफिक तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इंसान वक्त पे भी निकले तब भी कहीं ना कहीं फंस जाता है और लेट हो जाता है, जैसे कि मैं। यकीन नहीं यार, तो तुम ये पाद से पूछ लो ना। बोलो पाद, पाद बताएगा, पाद बताएगा, पाद, पाद मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और पाद की क्वालिटी क्या है तुम जानती हो? पाद कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है ना पाद। पाद ये रमशा है, रमशा की आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रमशा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमशा बीवी को बुला लो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? अरे वाह मामूजान, आपने नया फोन लिया? मामूजान ये तो लेटेस्ट वर्जन है, जबरदस्त। मामा मामू जान अपने लिए नया फोन लेकर आए। अरे नहीं मेरे लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने बुलाया? रमशा बेटा ये तुम्हारे लिए। मगर मेरे पास तो एक छोटा फोन है मामूजान। बेटा सभी के पास ऐसा है, तुम भी रख लो अच्छा लगेगा तुम्हें।
थैंक यू, लेकिन ये फोन मैं नहीं ले सकती, मुझे इसकी जरूरत नहीं है मामू जान। बेटा अपने लिए ना सही, तुम मेरे लिए ही रख लो, समझो तुम्हारे मामू जान लाए तुम्हारे लिए। रोशनी चाय पिला दो फिर। हाँ ये मामू जान रमशा पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर नया फोन देना ही था तो कोई भी फोन दे देते, इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी। हाँ ये बात तो मैं भी सोच रही थी। भाईजान ने इतनी मोहब्बत तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जतलाई, और वैसे भी गैरों के साथ इतना कौन करता है। मामू जान को तो छोड़े, अफनान का भी आजकल यही हाल। हर बात में रमशा की मिसाल उसकी तारीफ है। अगर उसने थोड़ी बहुत खिदमत कर भी ली तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन इन दोनों को ये बात कौन समझाए। इसीलिए तुमसे कहती हूँ जॉब छोड़ो और घर पर तवज्जो दो। तुम जरा देखो रमशा को कितनी चालाक लड़की है, हर वक्त भाईजान के आगे पीछे घूमती है, उनकी खिदमतें करती है, उनको दवाएं देती है, और अब तो उनके जितने परहेजी खाने वो खुद पकाती है। तो आप क्या चाहती हैं मामा, मैं इन सब चक्करों में अपना करियर दाव पे लगा दूं। अलीजे तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल काम है, मुझे एक बात बताओ, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका करियर जो है वो उसके शौहर के साथ वाबस्ता हो जाता है। पर माशाल्लाह से अफनान के पास तो सब कुछ है, और जो कुछ उसका है वो तुम्हारा ही तो होगा। तो फिर तुम अपने करियर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो। मामा चले एक मिनट के लिए सोचते, अगर अफनान को मेरी जिंदगी से माइनस कर दिया जाए तो फिर। क्या बचेगा मेरे पास, ना अफनान और ना ये सब कुछ। बेकार की बातें मत करो, अल्लाह ना करे कि अफनान को कभी कुछ हो, सोच समझ के बात किया करो लीजे। मामा प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रही हैं, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत, जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो।